Rajnath Singh seems to be conceding defeat. Let's hear what he said. नहीं, मैं इसे स्वीकार करता हूं कि बीजेपी लेड एनडीए के लिए ये जो चुनाव परिणाम आए हैं वो पूरी तरह से अप्रत्याशित रहे हैं, इसकी हम लोगों को कल्पना नहीं थी। अब चुनाव परिणामों की बाद में हम सब समीक्षा करेंगे कि इसके पीछे कौन कौन से ऐसे प्रमुख कारण थे कि हम लोगों की अपेक्षा के अनुरूप चुनाव परिणाम नहीं आए। सर, व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या लगता है, कहाँ कमी कहाँ रह गई? नहीं, मैंने कहा ना कि इन सारे चुनाव परिणामों की समीक्षा करने के बाद ही हम किसी निश्चित नतीजे पर पहुँचेंगे कि कौन से ऐसे प्रमुख कारण थे कि एनडीए को हमारी अपेक्षा के अनुरूप सफलता हासिल नहीं हो पाई। किन किन एरियाज में, किन राज्यों में आप समझते हैं कि आने चाहिए थे अच्छे नतीजे, जहां पर नहीं आ सके? नहीं, कुछ राज्य जैसे दिल्ली रहा है, राजस्थान रहा है और महाराष्ट्र में भी हमको अच्छी उम्मीद थी, लेकिन महाराष्ट्र में भी हमारी अपेक्षा के अनुरूप ये नतीजे आने के बाद राजनाथ जी, लगता है कि एनडीए में कुछ और बिखराव हो सकता है, कुछ पार्टियां? नहीं नहीं, एनडीए में बिखराव का कोई सवाल नहीं है। एनडीए में बिखराव, नहीं बिखराव का कोई सवाल नहीं है। कुछ एक दो दल जो हैं, हो सकता है यूपीए की तरफ चले जाए, ऐसी संभावना है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि एनडीए के साथ बयान दिया था, उससे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं। सर, अडवाणी जी अभी तक नेता थे, तो अब लीडर ऑफ अपोजिशन में कौन बैठेगा? नहीं, अब अडवाणी जी नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे। राजनाथ सिंह जी, एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि छोटी पार्टियों का जमाना चला गया, अब जनता चाहती कि दो मेन लीडर? ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। एक चुनाव परिणाम को लेकर इस तरीके से सीधे उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना कि सबका जमाना समाप्त हो गया। सर, सर, कमी कितनी खली इन चुनावों में, वाजपेयी जी की कमी? नहीं नहीं, कमी का क्या सवाल है, मैंने उनका मार्गदर्शन तो हम सबको प्राप्त था, लेकिन हर चुनाव में अटल जी स्वयं भी कैंपेन में शामिल होते थे, प्रभावी तरीके से कैंपेन होता था। इस बार उनके द्वारा कैंपेन नहीं हो पाया। मौलिक तौर पे कौन रिस्पांसिबिलिटी लेना चाहता है? नहीं नहीं, रिस्पांसिबिलिटी की बात नहीं है, उसके बाद हम देखेंगे।